दोस्तों सफर हिंदुस्तान आज घुमाने वाला है आपको अहमदाबाद का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट कांकरिया। जैसे आज आप कांकरिया को देख रहे हैं, ये कई सालों पहले ऐसे नहीं था। नरेंद्र मोदी ने एज अ चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसको रीडेवलप किया और यहाँ पर बहुत सारे अट्रैक्शन हैं जो आज हम वीडियो में देखेंगे। कुछ अट्रैक्शन की बात मैं आपको पहले कर दूँ, यहाँ पर टॉय ट्रेन देखेंगे हम, नॉक्टर्नल जू देखेंगे, बटरफ्लाई पार्क देखेंगे, ऐसा सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर 13 रुपये एंट्री टिकट है, मतलब के दो वयस्क की टिकट यहाँ पर 26 रुपीज है। तो अगर आप अहमदाबाद दोस्तों आते हैं तो आप ट्राई करिए कि कांकरिया जरूर विजिट करें। गेट नंबर 1 से एंट्री करते ही लेफ्ट साइड आपको मिलेगा बटरफ्लाई पार्क, इसमें बहुत बड़ा गार्डन बनाया गया है और अलग अलग किस्म की तितलियाँ दोस्तों रखी गई है जो खुले में आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आप एक दो राइड्स भी रखी गई है। पहले दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक तालाब हुआ करता था और पास में सड़क जाया करती थी, वो तालाब तो आज भी है। अब उस तालाब में दोस्तों आप अलग अलग किस्म की बोट राइड्स ले सकते हैं, जैसे आप जेट स्की है जो आप गोवा में देखते हैं। यहाँ पर बच्चे बलून के अंदर भी घुसकर दोस्तों कांकरिया तालाब में घूम सकते हैं। प्लस आपको यहाँ सिकारा का भी, जो कश्मीर की फेमस सिकारा है, वो यहाँ पर बोट चलती है। और बीच में नगीना वाड़ी आप जो देख रहे हैं, वहाँ पर शाम को फाउंटेन का शो होता है, लेजर शो होता है, ठीक है। तो बहुत कुछ देखने को है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बलून राइड्स में भी बैठ सकते हैं। बोट्स के प्राइस आप देख रहे हैं 130 रुपीज पर पर्सन, अलग अलग बोट के अलग अलग प्राइस है दोस्तों। सोलर सिकारा के 100 रुपीज पर पर्सन। तो दोस्तों ऐसे ही मैं जहाँ घूमने जाता हूँ वहाँ का एपिसोड जरूर बनाता हूँ। भैया टॉय ट्रेन आपके लिए बिल्कुल, मेरे सफर हिंदुस्तान के लोगों के लिए, इसमें से एक एक्सप्रेस का नाम जयंती एक्सप्रेस रखा गया और एक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल एक्सप्रेस रखा गया है। पूरा 2.5 किलोमीटर का अराउंड तकरीबन आपको 15 मिनट में ये लगा कर देती है। अगर कोई चाहे कि मैं पूरा नहीं घूम पाऊंगा पैदल, वैसे तो आप घूम सकते हैं, लेकिन नहीं घूमना चाहते वो ट्रेन की सवारी कर सकते हैं। तकरीबन 30 रुपये इसकी टिकट दोस्तों रखी गई है। अब हम नॉक्टर्नल जू की तरफ चलेंगे। नॉक्टर्नल जू मतलब दोस्तों के यहाँ पर नॉक्टर्नल जू में इस तरीके से जानवर रखे गए हैं कि वो रात को किस तरह से बिहेव करते हैं। यहाँ पर दूसरी मैंने राइड्स आपको दोस्तों दिखाई, जैसे कि बलून राइड्स जिसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड में भी नाम दिया गया है, एशिया की बेस्ट राइड भी इसको कहा गया है। और नॉक्टर्नल जू की टिकट दोस्तों 50 रुपये है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको एक होगा, अगर नॉक्टर्नल जू की टिकट लेते हैं तो आपको मेन जो चिड़ियाघर है कांकरिया का, जो 1971 में पहले नंबर पर रहा था एशिया में, उसकी एंट्री फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कुछ चित्रकारी जो की गई थी और फोटोज़ वगैरह मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। जोबलिंग बॉल जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ बच्चे जो है दोस्तों उछल कूद कर सकते हैं पानी के बीचों बीच में जाकर, तो इसकी मात्र टिकट 60 रुपीज है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल बटन है उसको तोड़ दीजिए और लाइक भी एक वीडियो पर कर दीजिए। तो अहमदाबाद आते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप कांकरिया जरूर विजिट करें। आपको लगेगा कि आप कहीं एक फॉरेन की दुनिया में आ गए हैं, जहां पूरा दिन आपका निकल सकता है। और दोस्तों यहां पर आने का बेस्ट समय है, ठंडी के सीजन में आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, या जिस दिन आप हल्की बारिश हो रही हो, हम ज़्यादातर हल्की बारिश में विजिट करते तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि गर्मियों में आप यहाँ या तो शाम के 2 या 3 घंटे आराम से घूम सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग घूम सकते हैं 9 से 11 के बीच में, बाकी के 11 से लेकर 4 बजे तक आपको यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अहमदाबाद में कड़ाके की धूप होती है और बहुत गर्मी, शिद्दत वाली गर्मी होती है। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे एम्यूजमेंट जोन आपको 2 से 3 बीच में देखने को मिलेंगे, जो बच्चों के किड्स जोन बनाए गए हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग किस्म के पेमेंट करके आप बच्चों को अलग अलग छोटी सी राइड्स में बिठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आप लोगों को अभी तक एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाकर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और दोस्तों कांकरिया में घूमने के लिए आपको जो जू है, जू के लिए 3 से 4 घंटे निकालने होंगे। ये जू है, बहुत बड़ा जू है, 3 से 4 घंटे जू के
बाकी अम्यूजमेंट पार्क यहाँ पर है जिसको बालवाटी का पहले कहा जाता था, लेकिन अब एक अम्यूजमेंट पार्क बना दिया गया है जिसकी एंट्री फीस 350 रुपीज़ है। उसमें तीन घंटे आप गिन लीजिए और बाकी सारा पूरा राउंड लगाने के लिए छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के लिए 3 घंटे मतलब 10 घंटे आपको चाहिए। तो अगर सुबह 9 से रात के 9 बजे तक आपको यहाँ बिताना है तो आप आराम से बिता सकते हैं, क्योंकि खाने का कोई टेंशन नहीं है, टॉयलेट वॉशरूम का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर टॉयलेट वॉशरूम भी है, बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी लगाई गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको खाने के लिए अलग अलग स्टॉल्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं। मैं आपको स्केरी हाउस दिखा रहा था, स्केरी हाउस के बाद यहाँ पर बंजी जंपिंग बच्चों के लिए है, आप देख सकते हैं। हॉरर हाउस भी यहाँ पर खड़ा किया गया है। तो मतलब कंप्लीट आपका एंटरटेनमेंट वन डे पिकनिक प्लान बनाना है तो अहमदाबाद में बेस्ट है। कांकरिया को आपको एक दिन पूरा देना होगा, ठीक है। आपकी लिस्ट में और भी घूमने वाले प्लेसेस हैं तो वो तो आपके दूसरे या तीसरे दिन होंगे, लेकिन कांकरिया के लिए पूरा एक दिन आपको चाहिए। और बेस्ट टाइम अहमदाबाद में दोस्तों विजिट करने का है, मैं आपको कहूँगा नवंबर से फरवरी के बीच में, जिन 3 महीने में यहाँ हल्की सी ठंड देखने को मिलती है। और अगर आप आना चाहते हैं तो जैसे कि बारिश के सीज़न में भी यहाँ विजिट कर सकते हैं। मैं फूड स्टॉल की बात कर रहा था, फूड स्टॉल आ गए हैं यहाँ पर, आपको साउथ इंडियन, गुजराती और पंजाबी सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।